नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन सिटी न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा। और मेरे साथ आज यहां पर उपस्थित थे युवा विचार मंच के संस्थापक रुद्र प्रताप कुशवाहा जी। रुद्र प्रताप कुशवाहा जी के बारे में मैं आपको हल्का परिचय दे देती हूं, क्योंकि ये युवाओं के अध्यक्ष कहे जाते हैं, उनकी बातों को ये रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि युवाओं के ये अध्यक्ष कहे जाते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी न किसी को किसी की आवाज बननी ही पड़ती है, तो रुद्र प्रताप कुशवाहा ऐसा ही नाम है जो युवाओं के बेरोजगारी व उनके हित के लिए युवा विचार मंच नामक एक पार्टी का गठन किए, जिसके ये संस्थापक हैं, जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम करेंगे इनसे सीधी बात व जानना चाहेंगे कि आखिर सारे राजनेता को लेकर ये इतने आक्रोश में क्यों रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम का। रुद्र प्रताप कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन के इस खास कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और हमारे जितने भी मतलब लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, उन लोगों का धन्यवाद। और देश के सभी तमाम और बिहार के आस्था के महापर्व छठ और दीपावली जो नजदीक आने वाली है, उसके सभी को इसका जो इस महापर्व का जो है हार्दिक शुभकामना देते हुए। जी रुद्र जी, शुरुआत करते हैं जी इस कार्यक्रम का। चूंकि आपकी एक आपने कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें काफी लोग आए हुए भी थे, उसमें काफी आक्रोशित दिखे आप, लगभग सारे नेताओं को आप टारगेट कर रहे थे, चाहे वो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हों या फिर तेजस्वी यादव हों या फिर चिराग पासवान ही क्यों ना, सारे लोग आपके लपेटे में थे। क्या कुछ कारण है आपके पीछे के इस आक्रोश का? नहीं, आक्रोश का कारण है कि जितने भी तमाम लीडर है, ये केवल हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड, और इसी में सब लोगों को उलझाना चाहते हैं। हमको इस चीज से नहीं मतलब है ना, हमको पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हम इंडिया में क्या खाते हैं, अपने नमक चावल खाते हैं उससे मतलब है। ये लोग कभी बात करते हैं पाकिस्तान का, कभी चाइना का, कभी बात करते हैं हिंदू का, कभी बात करते हैं मुस्लिम का, कभी बात करते हैं बैकवर्ड का, कभी बात करते हैं फॉरवर्डेड का, और ये सब लोग जो विकास का, बिहार का विकास की बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल कहाँ करते हैं। ये लोग जो है कभी चाहते हैं कि बिहार का विकास, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं और ना कभी चाहेंगे कि बिहार का विकास हो, तो आक्रोश तो होगा ही ना। हम लोग भूखे मरेंगे, आज हमको मजबूरी में आना पड़ा मार्केट में, क्यों कि हमारा जो बिहार में सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी है, तो बेरोजगारों के खिलाफ जो बेरोजगारी है, जब भूखे मर रहा है और आप अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लालू जी तेजस्वी जी जो है भाजपा पर डाल रहे हैं, नीतीश कुमार भाजपा पर डाल रहे हैं, भाजपा जो नीतीश कुमार पर डाल रही है, वीआईपी जो चिराग पासवान डाल रहे हैं, तो ये जो इस सबसे उब गया है, आदमी को एक नया चीज चाहिए। अब राम नाम सत्य है तो किसी के तिलक में जाकर नहीं ना कहिएगा, लगेगा दूसरा व्यवस्था करें। राम नाम सत्य है, दुनिया जानता है, लेकिन किसी के मरने के बाद बोला जाता है, वो एकदम सेम कहानी वही लोग बोलता है। अब राम नाम सत्य है श्मशान में बोला जाता है, ये लोग राम नाम सत्य है क्योंकि तिलकों में जाकर बोल देता है लोग, मतलब यही सब खाली काम करता है। ये लोग जो है तमाम जितने भी देश के लीडर्स है, खाली हिंदू मुस्लिम वर्सेस बैकवर्ड फॉरवर्ड, इन लोगों को जो है इसके अलावा जो है कुछ नहीं, इन पर आरोप, उन पर आरोप, उन पर आरोप, उन पर, इससे देश का विकास नहीं होगा, देश का बेरोजगारी नहीं जाएगा, बेरोजगारी कब जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, और रियल में काम क्या करना है, घोषणा से नहीं होगा। ये चीज हम करेंगे तब बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। जी जी, आपके मुख से हमने अक्सर ही सुना है बेरोजगारी का जिक्र सुना है, आप कहते हैं जो लोगों के हित के लिए होते हैं वो नेता होते हैं, ऐसे बड़े बड़े गाड़ी में घूमने से या बंगले में होने से नेता नहीं होते, ये मैंने आपके उस वाक्य को सुना था। हालांकि आप भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, हो सकता है आने वाले दिनों में आप भी आए हमारे बीच में एक चेहरा बनके, लेकिन सभी बोलते हैं बेरोजगारी खत्म करेंगे, विकास करेंगे, युवाओं के लिए ये, उनके लिए ये, उनके लिए वो, तरह तरह के वादे, तरह तरह के आश्वासन, लेकिन ये आश्वासन ना चुनाव जीतने के बाद खत्म हो जाता है। तो कहीं ये कुछ आपके साथ भी तो नहीं होने वाला है कि आप भी आज युवाओं की बातें कर रहे हैं, युवाओं के साथ खड़े होने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही कल को हो सकता है आपकी पार्टी आ जाएगी, उसके बाद कहाँ गए युवा, कहाँ गए युवा के वो सारे मुद्दे, ये सब कुछ विलुप्त होके नजर आएंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? जी वैसा कोई बात नहीं, आप सही बोले हैं कि इसने जो खाली मतलब हवाई घोषणा हो जाता है, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, अब कोई भी तमाम लोगों को भी हम बताना चाह रहे हैं आग्रह के साथ, निवेदन पूर्वक विनती के साथ, कि आप लोग हमारे जैसे नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं कीजिए, जुबान पे भरोसा नहीं कीजिए, नो बिलीव इन वेट एंड वॉच, डिसीजन ऑन द स्पॉट पर भरोसा कीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं।
अगर नीतीश, हम नीतीश जी के भी साथ है, मोदी जी के भी साथ है, जब भी अगर वैसा कोई बात है तो आने से, अभी लोकसभा असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन दोनों तो टाइम है, 2 महीना रहा में, 2 साल 3 साल, उससे पहले जो भी सरकार हो उससे पहले करना चाहिए। अगर हमारे पास सत्ता नहीं आती है तो हम पर मतलब लोगों के लिए कम से कम हम तो एक आवाज बन करके तो उठा रहे हैं, ये लोग तो ये भी नहीं किए। मोदी जी तो मतलब 8.5 साल से सत्ता में, उसके हिसाब से तो 17 करोड़ मतलब लोगों को रोजगार होना चाहिए। नीतीश जी भी मतलब खूब जो है युवाओं का बात करते हैं, रोजगार का बात करते हैं, बिहार का विकास का बात करते हैं, लेकिन उनको क्या 17.5 साल से 18 साल से सत्ता में उनको नहीं दिखता है? तेजस्वी यादव जब 17 साल से सत्ता में थे, लालू जी उनको और बेरोजगारी का बात नहीं आता है कि 5 लाख या 10 लाख का बात करें? जहां 15 करोड़ की आबादी है मैडम, वहां जो है 20 लाख रुपए का क्या मैंने कितना परसेंट पड़ा, आप लोग खुद ही बता दिए, हम तो अनपढ़ आदमी है। हाँ, मतलब जहाँ 15 करोड़ आबादी है वहां 20 लाख का बात करें, वहां 7 हजार का बात करें, वहां 10 हजार का बात करें। गवर्नमेंट एक पॉलिसी के तहत जाए तो पूरे देश में जो है बेरोजगारी खत्म हो सकता है एकदम मिनटों सेकंड में। उसमें जो है उसके लिए एक मैप बना करके के उस पे जो है काम करना पड़ेगा, 6 से 7-8 महीना लगेगा, लेकिन कुछ हद तक मतलब 98% तो नहीं लेकिन कम से कम 80% बेरोजगारी बिहार से खत्म हो जाएगा। उस पे अलोका 1% तो नहीं लेकिन कम से कम 80% बेरोजगारी बिहार से खत्म हो जाएगा उस पे लोग काम करेंगे तो, और 20% लोग मोदी जी वाला पकौड़ा बेच लेंगे अगर रोजगार मिलेगा। अभी तो 1000 आदमी है तो 1000 आदमी अगर बेरोजगार, उस तरह से मोदी जी का सपना साकार नहीं होगा। और यदि अगर एक मतलब 1 लाख लोगों को अगर रोजगार मिलता है वहां पे, मतलब कंपनी कोई बैठती है उसमें 10 लेबर काम करेगा, तो उसमें अगर पकौड़ा उसके दुकान पर 500 लोग बेचते हैं तो एकदम 100 से 4 पकौड़ा बिकेगा। तो ये बात है ना, तो ये लोग खाली कहते हैं। और रहा बात हमारा, तो हम तो पहले बार आए हैं तो हम तो लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, हालांकि अभी चुनाव नहीं है, हम कहां बोल रहे हैं, अब भाजपा में है भाजपा में बने रहिए, आप जदयू में है जदयू के साथ रहिए, कांग्रेस में कांग्रेस के साथ रहिए, आरजेडी में है आरजेडी के साथ रहिए, किसी के साथ रहिए, हमको एक बार आशीर्वाद दीजिए, वोट चाहे किसी को दीजिएगा, हम आएंगे कि जिंदा रहेंगे मरेंगे वो तो बाद की बात है। ये लोग को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना है और हमको ऐसे लीडर बनना है, नेता बनना और प्रधानमंत्री बनना है, बहुत अंतर। मोदी जी एक अच्छा प्रधानमंत्री हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नेता ये लोग कभी नहीं हो सकते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस थे, लोगों का आवाज बन करके के हम बिना सत्ता का भी, हम नेता जो रहता है, नेता जो है वो पावरफुल व्यक्ति होता है जो पब्लिक लाइकेशन से बनता है, ये तो वोट खरीद करके बनता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार जी चुनाव नहीं लड़ते, देखिए मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हैं जोगा टेक्नोलॉजी से। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना सत्ता में आने कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, हमको जो है नेता बनना है। और नेता वही होता है जो गरीबों का दर्द जाने, जो बेरोजगारों का दर्द जाने, एक रिक्शा चालक ही जानता है कि जो बोरा ढोता है उसमें कितना भार है। अब चिराग पासवान क्या जानेंगे, लालू जी का लड़का तेजस्वी यादव क्या जानेंगे कि साइकिल चलाने में रिक्शा चलाने में क्या भारत है, जो पैदा हुआ सोने का चम्मच लेकर फर्स्ट टाइम से। और ये लोग कभी बिहार का विकास चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जिस दिन युवाओं को बेरोजगार रोजगार मिल जाएगा, इन लोगों के रैली में भीड़ नहीं आएगी, बैठा है युवा बेरोजगार है तो आ रहा है। हम नहीं चाह रहे कि दिल्ली पलायन करे, हम नहीं चाह रहे कि बिहार का जो है बेरोजगार जो है यूपी पलायन करे, हम नहीं चाह रहे कि महाराष्ट्र पलायन करे, वहां मार खाए कोलकाता जाए, हम नहीं चाह रहे। बिहार में जब परिश्रमिक है, हम सारा चीज सब अवेलेबल है, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट यहाँ पर व्यवस्था दे रही भाई? अगर नहीं होता है तो रिजाइन देकर के हट जाइए सरकार में, राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, जो आएगा वो करना होगा अपना, मैप बताएगा उसके अनुसार करेगा काम। मैप का बार बार जिक्र कर रहे हैं आप, आपके नजर में वो क्या कुछ मैप है? आपने कह तो दिया कि बेरोजगारी 6-8 महीने में अगर आदमी चाहे तो खत्म हो सकता है, क्या कुछ मैप है आपके पास? 544 प्रखंड बिहार में, जहां तक हमारा अनुमान है, 544 करोड़ में 1-1 हजार करोड़ जो क्षेत्र जिस लायक है, जब दिल्ली में स्पोर्ट उद्योग हो सकता है, दिल्ली में मोटर व्हीकल्स का कंपनी हो सकता है, दिल्ली में जो स्कूटर का कंपनी हो सकता है, दिल्ली में हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड साबुन का सोप का कंपनी हो सकता है, वो सारा चीज कोल फील्ड मतलब जिसे हो रहा है उसे, तो वो सारा चीज यहाँ नहीं हो सकता का, जो एरिया जिस लायक है, जैसे हमारे कैमूर में चावल से
जैसे हमारे कैमूर में चावल से संबंधित कोई उत्पाद लगा दीजिए, उधर में कहीं जो है मधुबनी के तरफ में मखाना से लगा दीजिए, मैंने इस तरह से करके जो एरिया है होम प्रखंड पर जब देश में 20 लाख करोड़ रुपया लेकर के कोरोना के नाम पर गबन कर सकते हैं, 5 लाख करोड़ जो है विकास के लिए जो है बिहार में बेरोजगारी के लिए लगाइए। हम मोदी जी से भी आग्रह कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी से भी आग्रह कर रहे हैं, अगर 5 लाख करोड़ अगर बिहार में अगर लगा देते हैं एक प्रखंड पर 1000 करोड़ पड़ेगा मैडम, 1000 करोड़ के लागत से अगर कोई भी फैक्ट्री अगर बन जाती है तो इतना बड़ा कंपनी बनेगा कि एक शिफ्ट में कम से कम जो है 30,000 लेबर काम, 90,000 प्रखंड का आबादी ही 1.5 से 2 लाख होता है, 1 लाख लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा। तो हर घर प्रखंड में जो 2 लाख आबादी है, एक एक घर में 4-4 आदमी होता है, तो हर घर के लोगों को 10,000 का नौकरी मिल जाएगा आबादी को। ये लोग चाहेंगे तब ना होगा, तो ये लोग चाहते ही नहीं ना कि नहीं हो, तो यहाँ से खाली भाषण देंगे भाजपा पारो भाजपा जदयू पारो, जदयू जो है इनके पार्टी में वो जाएंगे उनके पार्टी यहाँ जो है। आपके बातों से तो सीधा लग रहा है कि आप सीधे आरोप लगा रहे हैं प्रत्येक पार्टी नहीं आरोप क्या लगा रहे हैं, जो शुरू से हो रहा है अगर वैसा अगर लगता है आप लोगों को कि आरोप सही कहना और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मांगना है अगर बिहार में इन निकम्मों सरकारों से ये चटुकार नेताओं से अगर रोजगार मांगना यदि अगर वास्तव में ये आरोप है तो रुद्र प्रताप ऐसा आरोप एक नहीं 1 करोड़ बार लगाएगा इन लोगों पे, जो सही चीजें तो कहेगा ना। 70 साल से मतलब देश कहां से कहां चल गया, बिहार वही भुखमरी और अशिक्षा में, यही उपेंद्र कुशवाहा जी कल के डेट में जो है बिहार शिक्षा आंदोलन चला रहे थे पूरे बिहार में, बिहार शिक्षा जो है सुधार आंदोलन, आज नीतीश कुमार जी के पास चल गए। हम इनसे पूछना चाहते हैं क्या बिहार का शिक्षा व्यवस्था हो गया क्या, आपके चेहरे से पूरे बिहार का शिक्षा चलता है। यही उपेंद्र कुशवाहा जी जो है बोले थे कि नीतीश कुमार जी जो है नीच बोले थे, कुशवाहा समाज को नीच बोले, उपेंद्र कुशवाहा से हम पूछना चाहते हैं समाज के लीडर है तो कुशवाहा समाज के लीडर है तो क्या आप अगर नीच अगर नीतीश जो व्यक्ति जूता उठा करके मारा नीतीश कुमार आपको गाली दिया वो व्यक्ति अगर उस व्यक्ति के साथ अब चल करके संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बन गए तो 1.25 करोड़ कुशवाहा को इमेज मिल गया क्या बिहार में, बोलने वाला नेता होगा इन लोगों से पूछने वाला नहीं है। अब देखिए बक्सर में क्या हाल हो गया, जहां जहां दौरा करेंगे इन लोगों को नंगा करेगा पब्लिक रोड पे, चाहे तेजस्वी जी हो नीतीश जी हो लालू जी के लड़का तेज प्रताप हो चाहे मीसा भारत के हो चाहे जो है नागमणि कुशवाहा हो या मोदी जी के लोग हो, अगर कोई लोग अगर मार्केट में जाएंगे तो एक बार जो है श्रीलंका वाला स्थिति पुनः दोबारा आने वाला हिंदुस्तान में, इन लोगों को मारेगा सब लोगों को मारेगा दौड़ा दौड़ा करके। हिंदू मुस्लिम पर आपके आपके बात कल के डेट में नरेंद्र मोदी आतंकवादी है, नरेंद्र मोदी से हम नीतीश में चल गए तो नीतीश नरेंद्र मोदी सही हो साधुवादी हो गए, अगर नीतीश कुमार से अगर नीतीश कुमार आतंकवादी है और नीतीश कुमार से अगर उसके साथ मेल कर रहे थे तो वो साधुवादी हो गए वो आतंकवादी हो गए, क्या चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये लोग जो राजनीति का एक परिभाषा सीख रहे हैं ये पब्लिक इसमें क्रोश जगेगा, बस एक है एक जगाने वाला आदमी चाहिए जो इन चिंगारी हम फूंक चुके हैं, ये लोग इस चिंगारी में जल करके स्वाहा होगा और बिहार के धरती पर देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर दोबारा पैदा होगा और देश का सबसे बड़ा कम उम्र का लीडर सब पैदा होगा। यहाँ 2025 आते आते मैडम हम बतला रहे हैं आपको, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो 2025 आते देश में एक अटल बिहारी वाजपेयी शादी वाला भी न मिले थे, लेकिन 2024 और 2025 के पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन में बिहार में कम से कम 200 प्लस जो है बिना शादी वाला अटल बिहारी यानी स्टूडेंट लाइफ वाला मिलेंगे यहाँ पर बिहार में, और कम से कम 50 लोग 40 को लोकसभा है तो उसमें से कम मान के चलिए कि 30 प्लस जो है उसमें पार्लियामेंट वाला जो है मेंबर मिलेगा, एकदम बिल्कुल यंग ब्लड को हमको तैयार करना है, बीज बोना गुड़वन के भरोसे काम नहीं होगा। क्या लगता है आपको कितने युवाओं का समर्थन मिल रहा है आपको? युवाओं का तो बम, सबसे पहले तो मतलब किसी से हमारा तो एक ही चीज है बिहारी है कि नहीं, किसी पार्टी से हमको मतलब है, हमको बिहार में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, हमको रोजगार चाहिए हर आदमी, बिहार में बेरोजगार युवा जो है कम से कम 7 करोड़ है, 7 करोड़ में अगर हम लोग चलेंगे प्रयास करेंगे तो 5 करोड़ प्लस जाएगा हम लोगों का,
और अभी अच्छा खासा समर्थन आ रहा है। अभी तक तो 30 तारीख को प्रोग्राम है हमारा, अभी तक जो है 4.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अब कितना चाहिए, अब देखिए ना कितनी नाराजगी है लोगों में। एक महीना हमारे जैसा विदाउट लेवल के लीडर को एक महीना में 4.5 से 5 लाख लोग लाइक कर दिया। देखिए 3,95,000 तो हमारा मेंबरशिप बन गया, मेंबर कट गया, हमारा सदस्य कट गया 3,95,000। आने वाला समय में 2 प्रोग्राम देखिए, देखिएगा आबादी जो है वैसा एक भी दिन नहीं रहेगा जिस दिन जो है कम से कम 2 से 3 लाख पूरे बिहार से मेंबर नहीं बनेगा, और कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी वाला लीडर नहीं। हम काम करेंगे, मोदी जी भी अगर करेंगे चाहे नीतीश कुमार जी करेंगे, हमको दुश्मनी भी नहीं, द्वेष भी नहीं, केवल हमको हमारे इनसे पर्सनली दुश्मनी दोनों में 500 साल किसी से नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ यदि अगर हमारा मांग लिया जाता है बिहार में अगर 7 करोड़ हम एकदम सहस्त्र दिल से जो है हम लोगों के लिए वोट मांगेंगे, साइकिल से चल करके पूरे बिहार में लोगों के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन ये नहीं कि 2025 वाला सरकार बन जाएगा, अपने भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं हम 2025 में सरकार बन रहे 25 तक जो है 2026 तक जो है आप में एक भी रोजगार नहीं रह जाएगा, नहीं 2022 तक 2023 में चुनाव होगा 2026 तक जो है एक भी रोजगार नहीं, ये नहीं। डिसीजन ऑन द स्पॉट, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मुद्दा पे हमको काम करना है। इलेक्शन जिसको बीट करना है और बिहार में बेरोजगारों को रोजगार दे, युवाओं को रोजगार दे, और 70% पार्लियामेंट और असेंबली में जो है युवाओं को टिकट दे। युवा यूज एंड थ्रो अप नहीं होगा बिहार में, युवा यूज एंड स्टैंड करना है हमको। जी इतना कुछ कहा आपने, वो कहते हैं ना कि इंसान बिना किसी स्वार्थ के इतना आगे नहीं बढ़ता, आपका वो कौन सा स्वार्थ है? सुनने में आपको कड़वा जरूर लग रहा होगा, लेकिन युवाओं की और बेरोजगारी की और इतना आप युवा हित की बातें कर रहे हैं, आपका वो कौन सा स्वार्थ है जो आपको इन तरफ खींचे जा रहा है? देखिए पहली बात तो आपका क्वेश्चन एकदम जायज है, और हम इसमें नहीं कहेंगे और इन लोगों जैसा घुमा वाला बात नहीं बोले ना कि हम लोग डिसीजन ऑन द स्पॉट वाला। पहले नंबर तो अभी जो आ रहा है वो देखना है, अगर इन केस अगर इन लोग का लड़ाई लड़ने में अगर हो जाए, अगर लोगों को अगर लगने लगेगा कि नहीं है भाई, जब इन लोग कुछ नहीं किया तो वर्षों तक सत्ता में रहा तो सत्ता का लाल, अच्छा कौन नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री बने, मैंने बनावटी नहीं बोल रहे हकीकत बोल रहे, मोदी जी के भी मन में इच्छा है, नीतीश कुमार जी के भी मन में इच्छा है, तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि बिहार सब लोग बनता है, तो कल के डेट में हम सोचेंगे अगर तो कोई मतलब ये लोग नहीं, ये लोग जैसे हमको राजनीति नहीं करना है, स्पष्ट वाला बात बोल रहे हैं। हालांकि ये लोग साफ नहीं बोले, चोरी करना है घोटाला करना तो हम साफ करके बोलेंगे कि भाई हमको सत्ता पर पहुंचाइए हम घोटाला करेंगे, स्पष्ट बोलिए ना जो भी बोलना है। लेकिन अभी तो वैसा कोई बात नहीं, अगर पब्लिक के लिए अभी तो बेरोजगारों के लिए लड़ना है, अगर नहीं बनेगा दोनों हेड एंड टेल एक सिक्का का 2 पहलू होता है, यदि अगर राजनीति में नहीं जाएंगे तो देश का सबसे बड़ा लीडर बनना है, नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं नेता बनना है, और नहीं अगर राजनीति में जाएंगे तो सत्ता हमको जब होगा तो आदमी जब लोगों के लिए जब बिना लड़े जो बिना जब कुछ किए हुए वर्षों तक रह सकता है केवल घोषणा कर करके, तो हम तो कर रहे हैं ना, तो पब्लिक अगर चाहेगा तो थोड़े उसमें है, बिल्कुल ये हम थोड़े कर रहे हैं, स्वार्थ है, स्वार्थ ये है हमारी कि हम बिहार के धरती से, स्वार्थ ये है कि मुंबई हमारे, अगर दिल्ली में लोग पीटा जाता है मुंबई में पीटा जाता है, स्वार्थ ये है कि हम भी बिहारी हैं, सबसे पहले हम बिहारी हैं, इसके बाद किसी पार्टी से, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी समुदाय से है, किसी कास्ट से है, तो सबसे पहले तो गाली देता है बिहारियों के नाम पे, तो हम चाह रहे हैं कि बिहारी जो बाहर जो काम करने जाता है इन लोगों का लगा हुआ धब्बा, क्योंकि गाली इन्हीं लोगों को नहीं पड़ता है, गाली अगर बिहारी है तो हमको भी पड़ता है, तो यही स्वार्थ है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा स्वार्थ खत्म हो, बिहार में रोजगार मिल जाए और बिहार के तमाम लोग हैं वहां लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, मतलब बिहार का 70% लोग जो है IAS IPS में सिलेक्टेड होता है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि मतलब सबसे टॉप रैंक में जाता है, लेकिन बिहार का लोग जो है मार खाने भी बाहर जाता है, हम चाहते हैं कि IAS IPS बनने बाहर जाए, रॉक एजेंट बनने बाहर जाए, लेकिन बिहार का लोग मार खाने बाहर न जाए, और यही हमारा स्वार्थ है, हम भी बिहार के हैं तो स्वार्थ तो होबे करेगा ना कि हमारे घर का लोग अगर पिटाएगा, ये भी तो एक स्वार्थ ही हुआ। और रहा बात आपको अगर सत्ता ही लगता है तो दुनिया अगर कर रहा है तो हम करेंगे तो कौन गलती करेंगे, वैसे भी लालू जी तेजस्वी नीतीश जी इन लोगों का तो ये जब ऐसा ही खत्म होने जा रहा है, 5-7 साल के बाद 10 साल के बाद तो भगवान के हाथ से रिटायरमेंट होने वाला है, हालांकि लंबी उम्र का दुआ करते हैं हम, लेकिन जितने भी तमाम लीडर्स हैं करीब करीब एक साथ सबका एज खत्म होने जा रहा है, तो मार्केट पे तो आना चाहिए ना, मतलब जो है
उस ब्लैंक्स को भरने वाला भी तो चाहिए। अंतर यह है कि लोगों को खाली आरोप मतलब अथी करके आरोप लगा करके खाली करके लगा देना है। हम लोग अगर करेंगे तो हम भी जेबे करेंगे मार्केट में कल के डेट में। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम राजनीति नहीं करेंगे। हम क्यों घुमा करके बोल देंगे? नीतीश जी से पूछा जाता प्रधानमंत्री बनिएगा तो वैसा इच्छा नहीं है। वैसा जब इच्छा नहीं तो पूरे देश में विपक्ष के साथ विधवा मिला क्यों कर रहे घूमकर? अरे साफ बोलिए ना कि प्रधानमंत्री बनना है। हमारा भी गर्व से सीना चल रहा होगा कि कम से कम बिहारी इस बार प्रधानमंत्री का दर्जा हो गया। बनना है तो बनना है। कल के डेट में अगर होगा तो हमारे भी इच्छा होगा कि जनाधार टाइट हो जाएगा तो हम कम नहीं चाहेंगे कि हम सत्ता में जाएं। हम भी चाहेंगे लेकिन यह है कि हम आज जो कर रहे हैं वो कल भी वही करेंगे। आप भी युवा हैं, प्रशांत किशोर भी युवा हैं और प्रशांत किशोर का हाल का ही बयान है। उन्होंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे उन पे सवाल खड़े करते हुए कि वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं और वो कभी भी वापस से पार्टी स्विच कर सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? और नीतीश कुमार जी बीजेपी देखिए पहले नंबर तो हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब है। अब प्रशांत जी तो हमसे बहुत वरिष्ठ हैं एज में भी और हर तरीका से हैं। उन पर टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन अगर होगा तो हो सकता है। देखिए इन लोगों का जो है एक वो सही भी बोल रहे हैं कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आरजेडी को खत्म करने के लिए फिर दोबारा गए हो इलेक्शन के टाइम पर लग गए थे। आज जैसे इलेक्शन खत्म हो गया फिर जेडीयू के साथ में चल गए तो हो सकता है जब मतलब सत्ता के करीब जब इलेक्शन के करीब जाते हैं तो नीतीश कुमार जी के तो जो है ये थिंकिंग में नहीं बल्कि ब्लड में ही ये रहा है। शुरू से ही नीतीश कुमार जी के ब्लड में रहा है पलटी मार। और उन्हीं का जो है वो शिष्य है माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं तो करीब करीब वो भी उनसे कम नहीं वो भी कम से कम 17 बार पलटी मार देते हैं। तो इन लोगों का कोई अथी नहीं है मतलब जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। इन लोगों का अपना काम है। हमको नीतीश जी क्या करें उनसे हमको मतलब नहीं है। चिराग पासवान क्या करें उनसे हमको मतलब नहीं है। तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं उनसे हमको मतलब नहीं है। मोदी जी और भाजपा एंड कंपनी क्या कर रही है हमको उससे मतलब नहीं। बिहार में बेरोजगारी क्यों बढ़ा है बिहार का बेरोजगारी कैसे खत्म होगा इससे हमको मतलब है। और इसी पर हमको एनीबॉडी हम दूसरे नेताओं के जुबान पर जो है टीका टिकड़ी बातों पर हम ध्यान नहीं देने वाले कभी। आपने सुना कि दूसरे किसी नेता के ऊपर हम टीका टिप्पणी नहीं करने वाले हैं और ना ही दूसरे क्या कर रहे हैं इस पे हम नजर डालने वाले हैं। ये कुछ सब कुछ कहना है रुद्र प्रताप कुशवाहा जी का जो कि युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक हैं। इसी के साथ अपने इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन नीतू के साथ मैं तनु वर्मा, एजेंसी न्यूज़।